करते हैं, गरीब आदमी किस तरह रहते हैं। मैनू पता मिडिल क्लास का नौजवान किस तरह परिवार चलाते हैं, मैनू पता शहर किस तरह परिवार चलते, दुकानदारा किस तरह परिवार चलते, व्यापारियों के जो वह समस्या मैं उन्होंने आदि है उन्होंने जो मैं हटाई है मैं उन्होंने हल कर रहा है। इस करके बिजली पानी पेट्रोल रेत रेता इन चीजा के रेट घटाए। मेरा घर मेरा माण ये स्कीम लिया के जेडे लाल लाइन के अंदर घर है वो थोड़े नाम करके दे रहे हैं। लोन इतने भी आ जाने हैं, पूरे पंजाब दे विच स्कीम लागू हो गई है। एक साल के अंदर ये स्कीम कंप्लीट हो जानी है ते थोड़े घर थोड़े नाम करके देने हैं। इस दे नाल नाल ऐसी मेरी एक बड़ी सोच सी बचपन तो, मैं तीन बार एमसी रहा, पंच मतलब जिस तरह थोड़े एमसी है, मैं पता है कि किस तरह स्कीम लै ठीक करनी, कई बार मैं खंबे पर चढ़ के ठीक करी, मैंने पता गलिया नालिया की क्या समस्या है। म्यूनसिपल कमेटी का दो बार प्रधान रहा, इस करके शहर समस्यावान बड़ी नेड़े से देखा होया। पहला शुरुआत मैं इतने से की, इस करके मैं शहर के कामों का पता है। मैं एक बार मेरे पास एक बंदा आया, उस तो सलाह ली, बड़ा सियाना बंदा, बंद ट्रेड करने वाला, मैं क्या जी मैं इस काम च पै गया, एमसी बन गया, किस तरह करेगा। वो मैनू कहता हर रोज एक गीता का श्लोक पढ़े कर, भगवत गीता के तेन सारा कुछ मिल जाए। और मैं सोच अपनाई हूं, मैं भगवत गीता और रामायण के अध्ययन का सेंटर बना रहा पंजाब के विच, जिथे ते इस दी सारा अध्ययन हो करेगा ते लोगों के लिए। ते गरीब गरीब हुंदा है, चाहे वह किसी क्लास का हो, मिडिल क्लास का बंदा मिडिल क्लास का बंदा, चाहे वह किसी का हो क्लास का हो, जातां दी गल नहीं है। ये जेडे बड़े घराने है, महाराजे है, बादल वर्गे है, इन्हां दी जात इन्हां दा धर्म इको है कि यह बहुत अमीर लोग है, ये आपस दे विच रले रहिंदे है, ये अमीरी इन्हां नूं रलाउंदी है। लेकिन फिर सानू जेडे असी मिडिल क्लास के लोग है, जेडे गरीब है, जेडे आम लोग है, ऐसी क्यों ना रलीए, ऐसी भी कट्ठे हो गए जब उपर कट्ठे है। इस करके मैं इन्हां मसले का हल करना है। मैं कहना कि जेड़ा किसे तरह का गरीब है, जनरल कैटागरी कमीशन असी पंजाब दे विच कल स्थापित किया है कैबिनेट दे विच लिया के, ताकि जनरल कैटागरी के मिडिल क्लास के गरीब लोगों की भी सुनवाई जोगी जगह बन सके। तो सत्कारयोग वीरों, मैं ज्यादा समा नहीं देना, लेकिन कपूरथला दे विच घटना हुई है, एक गुरुद्वारे दे विच बंदा मार दिता गया है। पहला एक खबर आई है कि बेअदबी की गल है, लेकिन हम गल निकल के आ गई है कि वह बंदे नूं मारिया गया, इस करके असी उत्ते बंदे गिरफ्तार कर ले है, कतल का दर्जा जिहड़ा परचा है उन्होंने दर्ज हो गया। ऐसी पंजाब दे विच अमन शांति रखनी, कोई माड़ा अंसर कोई हरकत करेगा उन्होंने किसी तरीके दे नाल भी बख्शा नहीं जाएगा, इस तरीके कोई कंप्रोमाइज नहीं। जिन्हां लोगों ने पंजाब दे विच नशे बनाए, बड़े तस्कर बने, उन्होंने असी परचा दर्ज किया, अज विक्रम मजीठिया भज्जिया होया, परचा दर्ज करता है ते कार्रवाई शुरू है, अज उहदी जमानत उन्हें लगाई गई है, जो कोर्ट करेगी उस तरह होएगा। लेकिन पंजाब दे विच नशे बनाउण वालियां नूं पंजाब दे विच कोई थां नहीं है, पंजाब सरकार किसी तरह उन्हां नूं बख्शेगी नहीं। मैनूं प्रोफेसर टैक्स की गल कीती है, इसी आने वाली कैबिनेट के विचारा तो, लेकिन मैं एक गल कहना चाहता कि जिसकी कोई सिफारिश नहीं है वो सिफारिश चलने चलनी है, खड़े खड़ा गए कि हर मसले का हल करके तुम देवे। पंजाब सरकार पंजाब के लोगों वास्ते बड़ा वध है, ये थोड़ी अपनी सरकार है, अज तुम महसूस होना चाहिए कि तुम आप मुख्यमंत्री हो, मैं मुख्यमंत्री नहीं। डिमांडा इतने बोलिया जेडिया मैं नहीं बोल पा सकिया, लेकिन मैं तुम्हें ये कह दिना पठानकोट वाले खाली कागज पर साइन करा के रख लो, उपर जो मर्जी लिखना वो लिखी जाए, मैं थोड़े नाल है, तो हर काम इस शहर का हो।